जुहार नमस्कार छठ लगे सबको बिहारी कम्युनिटी तरफ सबको गणतोषी तरफ बिहारी कम्युनिटी भाई मानक सबको अभिनंदन जनाऊे आप देखिपे छठ लगे आपड़ सैड देखिपे प्रस्तुति चलीजे इे भी छठ लगे विभिन्न प्रकार लगे इन्हें भी प्रस्तुति चली साफ सुथरा चलीजे आ छठ लगे खास कर जेहेतु सूर्य आउ पानीर कथा कहुचे पानी के आ सूर्य के नहीं परंपरा अच्छे आनु जेन कहते भाई मैंने इधर मानने पुत्र प्राप्ति की पुत्री प्राप्ति लगे माँ मैंने पूजा करसन आउर पूजा लगी आज बड़ प्रस्तुति चलीजे इन्हें स्टेज बनाई इन बढ़िया लाइट साउंड सब सिस्टम कराई आर पछाड़े भी भाई मैंने लगिचन विभिन्न काम रे बिहार रु सांस्कृतिक दल यन आर आम जा भेटमा सांस्कृतिक दल के आज कार्यक्रम अच्छे जाकर भेटमा। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम धर्मवीर धरखन। जी तो आप खास करके यहाँ किस लिए आए हैं? हम लोग का यहाँ आज भव्य जागरण जो श्री श्री छठ पूजा समिति जो कि भारत का आज जो स्तर जो ऊंचाई है जो यूपी बिहार झारखंड की शान है ये जी। और ये महापर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर हम लोग अपने पूरे टीम के साथ यहाँ भव्य जागरण में दो गीत सुनाने गाने बजाने आए हैं। सभी का थोड़ा परिचय करा दे ना। जी मेरा पिंटू प्यारा नाम है, मेरा घर पटना जिला है, बिहार से हम लोग। जी जी। और आपका भी? बीके बाबू है। दोनों बजाते हैं? यस। और जी कीबोर्ड बजाते हैं, उसके साथ हारमोनियम बजाते हैं। जी हारमोनियम कीबोर्ड और बैंजू और साथ में सिंगिंग भी करते हैं। जी जी बढ़िया। आप? हम आप सबके भाई गायक बबुआ विशाल। बबुआ विशाल जी जी जी। और भैया? आप? आर्यन पंकजराज जी, बिहार छपरा जिला से। छपरा से? छपरा में बहुत। जी मेरा नाम अंकित विश्वकर्मा, वैशाली जिला से। यहाँ गाते हो आप? आपका नाम भैया? जी सोनू यादव मेरा नाम हुआ, मैं गाता हूँ। गाते हैं जी। और आपका नाम भैया? मेरा नाम राहुल प्रेमी पड़ेगा। और आपके चैनल से जितने भी लोग देख रहे हैं आप सभी को धन्यवाद। और हम रोहतास जिला बिहार से हैं। बिहार से सब मेरा हम अपना ही टीम है। बिहार से है तो बिहार का कोई गाँव जो है आपका? हाँ हाँ, पटना जिला से हम लोग हैं। गांव का नाम? रोहतास जिला। रोहतास जिला विक्रम टाइप से हम। जी जी। विक्रमगंज। विक्रमगंज हाँ वहीं से हैं। काफ़ी सारे मतलब सब लोग ये भाई की टीम से हैं। हाँ भैया की टीम से। और आपका नाम थोड़ा भैया? जी मेरा नाम एमडी रिजवान होगा। जी जी। आप जी? हाँ मैं पैड बजाता हूँ, इलेक्ट्रिक पैड। पूछूँगा कि सरदार सिन्हा जी दो तीन दिन पहले गुजर गए, एक फेमस फोक गायिका मतलब लोक गायिका थी आपकी, और हम भी जानते हैं उनको थोड़ा बहुत, उतना तो नहीं, तो इनके बारे में आप थोड़ा कुछ बोलिए किया जाते हैं उसके बारे में, उनके बारे में। सरदार सिन्हा जो एक छठ पर्व जो है उनकी शान थी। जी। उनकी आवाज़ के बिना लगता था कि छठ पूजा है ही नहीं। जी। छठ पूजा में उनका एक आवाज़ में इतना मिठास था। जी। कि सरदार सिन्हा और पवन सिंह, हाँ ये दो व्यक्ति का जो हमसे बड़े हैं, माता जी जिनको हम लोग बोलते हैं सरदार सिन्हा जी, हम लोग का माँ के समान है, जो कि दो तीन दिन पहले ये लोक छोड़ के उस लोक में चली गई। तो भगवान से हम ये दुआ करेंगे छठी मैया से कि हे माँ, आपके चरण में मेरी माता श्री गई है, उनको आप स्वर्ग में स्थान दें और परम धाम की प्राप्ति करवाएँ। और जितना कलाकार हम लोग हैं खासकर भोजपुरी के, सरदार सिन्हा जी मैथिली तक गाई, हाँ भोजपुरी भी गाती थी जी। तो उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते थे, लगता था कि नहीं, तो उनकी निधन से कहीं ना कहीं हम सब भोजपुरी कलाकार के लिए, मैथिली कलाकार के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। सरदार सिन्हा जी खासकर छठ पूजा के ऐसे ऐसे गीत दे कर गई जिसे जोरे जोरे कल सुपो बहुत सारा गीत है उनका जी। तो परफेक्टली हम लोग तो न लगता है कि हम लोग उनकी तरह गा पाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश हम लोग जरूर करेंगे। कि जोर जोर सुपावा आदित्य महल तोहरा के
अरे सब चढ़ावेले हो जोरे जोरे सुपावा आदित मालो तोहरा के सब चढ़ावेले हो। ये गीत इस गीत पर हमारे पौन भैया भी गए थे लेकिन स्टार्टिंग ट्यून उन्हीं का था। कि जोरे जोरे सुपावा आदित देव तोहरा के सब चढ़ावेले हो। जोरे जोरे सुपावा आदित देव तोहरा सब चढ़ावेले हो। जोरे जोरे सुपावा आदित देवो तोहरा के सब चढ़ावेले हो। खट के परबिया खबनी के माई बड़ा मन भावेले हो। के परबिया सबनी के बड़ा मन भावेले हो। तो अच्छा और एक बात पूछूंगा मैं, आप तो इधर आए हुए हैं, आप इधर आए हुए हैं संबलपुर बरगढ़ इस इलाके में, खासतौर से इधर का जो गीत संगीत है इनके, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? यहाँ जिस जगह पर हम लोग को आज बुलाया गया है जी, तो हम लोग को कार्यक्रम यहाँ इसी माध्यम से बुलाया गया कि छठ पूजा, और यहाँ अधिकतर जी जो बिहार कमेटी एकता शहीद क्लब बना हुआ है यहाँ पे जी, जी, जी। हाँ तो हम लोग को बोला गया कि यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा खासकर बिहारी ही है जो हम लोग एक संगठन बनाए हुए हैं, तो यहाँ आना है और भोजपुरी ही मतलब भाषा में गीत संगीत मतलब छठ पूजा का गीत संगीत भव जागरण जो भी हो मतलब यहाँ आना है, सब कुछ माना है। मेरा पूछने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ भी संबलपुरी में कई सारे गीत, कई सारे बहुत पुराने गीत बना मतलब संगीत में चल रहे संबलपुरी भाषा में, तो संबलपुरी भाषा में गीत है संगीत है ये सब आपको पता है? जी ये नहीं सुना है। हाँ ना माफी चाहूंगा मैं हम लोग स्पेशल भोजपुरी हैं जी। नहीं नहीं हाँ। पता है ये मैं पूछ रहा हूँ ना। अच्छा चलिए मैं आपको सुना देता हूँ जी, जी आपके हाँ। उसमें आप बजा देंगे। ये है जो संगीत है, खास करके आप लोग जैसे बोले कि वो हम लोग को पता चला कि ये जो पर्व है पानी और सूर्य के बीच जो है जो है पूजा के अंदर किया जाता है, खास करके पानी और सूर्य जी की महत्व है जी इसमें। तो ये भी जो गाना मैं गाऊंगा ये समरपुरी में है, हमारे भाषा में है, हमारे लैंग्वेज में, और ये काफ़ी पुराना गीत है, झूमेर है, झूमेर गीत है, बजा सकते हो उसको। ये पायन पवन झरन डगर सब निजर, मेरे साथ ले भी सकते हो आप लोग। पायन पवन झरन डगर सबु निजर ओहो सबु निजर, पायन पवन झरन डगर सबु निजर ओहो सबु निजर। इतार बिना लागसी आमको, इतार बिना लागसी आमको, इतार बिना लागसी आमको, इतार बिना लागसी आमको, इतार बिना लागसी आमको रे दद सबु असार। पायन पवन झरन डगर सबु निजर ओहो सबु निजर, पायन पवन झरन डगर सबु निजर ओहो सबु निजर। मतलब आपको कुछ समझ में आया इस गीत के बारे में? मतलब इसका मतलब समझ में नहीं आया लेकिन इतना लगता है हमें कि आप ये जहाँ कि मतलब ये जो पवन पदरक हम लोग तो नहीं भाषा है, आप लोग को भाषा नहीं मालूम है हाँ, कि मतलब कि ये पानी और सूज के बारे में आप कुछ बोले कि बिना अधूरा है, इसके बिना पूरा अधूरा है। हाँ अधूरा है आप समझिए, मतलब आपके हिसाब से कोई भाषा कोई ये मतलब दिक्कत नहीं है, कोनो भाषा में अगर कोई गीत गाए खाली जो अगर फिलिक्स करके उस गीत को गाए तो भाषा कोई दिक्कत नहीं है, कोई मराठी में गाए कोई अपनी मलयालम में गाए और उसको फील करके गाए तो
बाकी दो दादा सर हम समझ सकते हैं। मैं चाहूँगा भाई आप ये थोड़ा गीत सुनाइए, गुनगुनाइए इसके छटके या फिर कोई गीत सुनाइए आपके। मैं कल अपना शारदा जी का गीत गाऊंगा जी, जो भी आपको अच्छा लगे। आठहीं काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूप छान लगले आठहीं काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूप छान लगले के आही ऊपर चढ़ी बैठे हो दीनानाथ, बाधिन तिवैया भैले ताही ऊपर चढ़ी बैठे हो दीनानाथ, बाधिन तिवैया भैले चादर उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ले हमार चादर उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ले हमार उते संकट मोरा होला हो दीनानाथ, बाधिन के मरवा दैले था उते संकट मोरा होला हो दीनानाथ, बाधिन के मरवा दैले था। और ये तो गीत थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, उसका जो खास मतलब थोड़ा इसका मतलब क्या है, गीत सुनाए हम लोग सब जानने के लिए मैं बोल रहा हूँ। मतलब है कि जो भैया गीत गाए हैं शारदा सिन्हा जी का जी, तो ये बाझिन का गीत है, बाझिन का है ना भैया जी, बाझिन अपना कल्पना करती है उसके मेरे पास नहीं, हाँ सब कुछ है मेरे पास लेकिन मेरे पास पुत्र नहीं है। और जो हमारे यहाँ महत्व दिया गया है, जैसे आपने बोला कि यहाँ पानी और सूरज के बीच बहुत बड़ा यह महत्व है, तो हम लोग का यहाँ ज्यादा यह पर्व होता है पुत्र और पुत्री की प्राप्ति के लिए। जी जी, जैसे कि हमारे यहाँ पूजितिया बोलते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए पूजितिया करते हैं, ज्योतिया, और उसको हम लोग पूजितिया हिसाब से मानते हैं। और ये एक खास बढ़िया पर्व है और सब माँ जिन सब माँ करते हैं, जिनका भी पुत्र हो चुका है वो भी करते हैं, और जिनका नहीं भी हुआ है वो भी करते हैं। पूजितिया नहीं, काफ़ी मिला जुला मतलब ये जो है, जैसे कि आपके वहाँ समझ लीजिए हम यहाँ नुआखाई जब क्या बोलते हैं अन्न जब उगाता है किसान, उसके हिसाब जब बाद में एक पर्व आता है ना, तो हाँ आपके वहाँ भी कुछ होगा, हाँ सर उसी हिसाब से अब लोग खाते हैं अन्न को भगवान जी को प्रदान करते हैं, उसके बाद अब लोग लेते हैं, तो वहाँ क्या कहते हैं उसको, हमारे यहाँ नुआखाई बोलते हैं सक्रांत, सक्रांत जी मकर संक्रांति हम लोग बोलते हैं उसे। उस दिन आप लोग भगवान को अर्पण करके आप, हाँ जैसे जो धान होता है ना, जो हम लोग धान के स्टार्टिंग में जो फसल होते हैं वो कटाता है, तो मतलब वो चूड़ा उड़ा कुटाता है जी चूड़ा, हाँ हम लोग भी इधर जो धान है उसको हम लोग पहले उसको ये करते हैं, फिर कई सारे मतलब उसका तौर तरीका है। जैसे कि आप बोल रहे मतलब जहाँ कहीं भी दुनिया में जहाँ कहीं भी खेती किसानी फसल हो रहा है उधर एक पर्व है कि पहले अपनी देवी देवता जो ग्राम देवी है जो देवी है उसको उनको अर्पित किया जाता है, और उसके बाद गांव में सब मिलके उसको उनको मतलब अपने अपने घर में फिर गांव में फिर इकट्ठा होकर वो पालन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ नुआखाई होता है, नुआखाई के बाद हम लोग नुआखाई भेंटघाट भी करते हैं, आपके वहाँ ऐसा कुछ होता है जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह? सांस्कृतिक कार्यक्रम तो सर देखिए सबसे सब स्टेट का अलग अलग होता है, आपके यहाँ कुछ और रस्में हैं, बिहार में कुछ और रस्में हैं जी, जी। हाँ तो सबका अलग अलग तरह होता है। तो आपका तो आज इधर प्रदर्शन होगा करेंगे, हाँ तो आपको कैसा लग रहा है मतलब आप जब पहुँचे इधर तो कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये हम लोग को सौभाग्य की बात है कि जी
हम लोग को बिहार से बुलाया गया है यहाँ पे दो शब्द कहने के लिए, तो हम पूरी कमेटी को धन्यवाद देना चाहेंगे और रात में हम लोग जितने भी मिलेंगे, और मैं शुक्रगुजार करूँगा कि आप कीमती समय निकाल कर हम लोग को समय दिए। तो मैं अनुरोध करूँगा पूरी टीम की तरफ से कि रात में ही आप वहाँ आते तो बहुत अच्छा लगता हम लोग को। छठ गीत बा, छठ गीत गियर के तना को हर थीन हो बाबा बरतिया हम बाटे तोहा बरतिया बट तोहा एक में तीन दिन के भूखल दूजे पनिया भैनी खा खले दूजे पनिया भैनी खा। अच्छा कुछ ये मैं हम पूछ रहे हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ कई सारे पॉपुलर गाना है, सम्बलपुरी में है, रंगवती है, सारे लोगों ने बड़े बड़े लेजेंड लोगों ने गाया है गाना, जैसे कि आपके वहाँ कोई भोजपुरी ऐसा कोई एक फेमस गाना हो जो भोजपुरी? तो बहुत सिंगर के बहुत सारे बहुत सारे गाने हैं हाँ। तो खास करके किसी जो आपको अच्छा लगे हाँ तो थोड़ा गाइड उसको। हाँ बहुत सारा गाना है जी जी, जैसे खेसारी भाई हम लोग को भक्ति में गाना गाए थे जी जी हाँ। क्यारे झुलुहा लागल बहन मिया डर होए जगदम्बा मैया, किए हो जगदम्बा मैया, ए हो जगदम्बा मैया, ए हो जगदम्बा मैया, ए हो जगदम्बा मैया, आ झुलुहा लागल बानी मिया डार होए जगदम्बा मैया, झुलुहा लागल बानी मिया डार होए जगदम्बा मैया, ए हो जगदम्बा मैया, ए हो जगदम्बा मैया, ए हो जगदम्बा मैया, ए हो जगदम्बा मैया, बहे दूजे शीतली बाया रे जगदम्बा मैया, झुलुहा लागल बानी मिया डार होए जगदम्बा मैया, अम्बर से ताको तारे देविया देवता, धर्मवीर धड़कनवा माई हवेरावुर सेवता, परता विष लव गोहार ए जगदम्बा मैया, बहे तुझे शीतली बाया रे जगदम्बा मैया, तुझे शीतली बाया रे जगदम्बा मैया। काफी बढ़िया। आया है भाई लोग देख ले, आया है भाई लोग बाजार का जमाना, हर चीज बिक रही है, हर चीज बिक रही है, बिकता है दाना दाना,
हर चीज बिक रही है, बिकता है दाना दाना। आया है भाई लोगो बाजार का जमाना, आया है भाई लोगो बाजार का जमाना, आया है भाई लोगो बाजार का जमाना, आया है भाई लोगो बाजार का जमाना। हर चीज बिक रही है, बिकता है दाना दाना, हर चीज बिक रही है, बिकता है दाना दाना, हर चीज बिक रही है, बिकता है दाना दाना, हर चीज बिक रही है, बिकता है दाना दाना। आया है भाई लोगो बाजार का जमाना, आया है भाई लोगो बाजार का कैसा जमाना आया, पानी भी बिक रहा है, कैसा जमाना आया, पानी भी बिक रहा है, कैसा जमाना आया, पानी भी बिक रहा है। दुनिया में आदमी का ईमान बिक रहा है, दुनिया में आदमी का ईमान बिक रहा है। हर चीज पे है सीधा बाजार का निशाना, सीधा बाजार का निशाना, हर चीज पे है सीधा बाजार का निशाना। आया है भाई लोग बाजार का जमाना, आया है भाई लोग बाजार का जमाना, जो गीत है आप लोग समझ रहे हैं। पानी तो नहीं, पानी पहले हम लोग जो मौलिक अधिकार बोलते थे, पानी को आज हम बोतल में हम पैकेट में खरीद के पीए, जो हमारा जो मौलिक अधिकार था, सब कुछ बिक रहा है बाजार में, अब सब बिकाऊ हो गए। अमर से आज जो भोजपुरी फेमस फोक गायक लोक गायक फेमस सिंगर संदीप सागर आशीजन संदीप सागर तुम भी आम ये कि कला संस्कृति ये कथा आम जानमा सुनमा कथा लगवा तक आगे कि आम सुनमा भी कि संदीप सागर जी आपको गण दृष्टि में स्वागत है। स्वागत है आपके चैनल पे, जितने लोग देख रहे हैं सभी को प्रणाम नमस्ते। और मैं बिहार से हूँ जी, जी जी हम लोग प्रोग्राम करने आए हैं, धर्मवीर भाई हैं जी, जी और हम हैं और भाई लोग हैं किशन उसन लोग हैं जी, हम लोग आए हैं यहाँ पे बरगढ़ में आज प्रोग्राम करने जी, जी। जागरण का प्रोग्राम, जागरण और बाकी प्रोग्राम ही करते हैं हम लोग। हाँ सब होता है हम लोगों का रंगारंग, मतलब जहाँ जैसा मंच मिलता है जी, जी, उस टाइप से हम लोग गाते हैं जी जी, जी। मैं चाहूँगा ये तो छठ के बारे में गाए हैं छठ जी जी जी, तो आप कोई अलग कोई किस्म का कोई छठ छठ को छोड़ करके मतलब कोई एक जैसे कि जैसे कई सारे मतलब क्या बोलते हैं उसको कई सारे गीत है जैसे कि शादी के गीत है, देखिये मैं बता दूं आपसे, जब मैं बहुत छोटा था तो एक गीत गाया था जी, और वो हमारा जो परंपरा है तो वो परंपरा से जुड़ा हुआ देवी गीत था जी, जी। माँ का भजन था जी। और अभी के डेट में आप सुनेंगे तो जो हमसे सीनियर लोग थे ना वो लोग भी हमारे गीत को कॉपी किए गाए, और पारंपरिक गीत था उसी को हम सुनाते हैं एक लाइन। आरे आरे मालिन, आरे आरे मालिन, तू फूला वाले या आरे तोहरे हो फूलवाई मालिन, करब माई के सिंगार। आरे आरे मालिन, 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 आरे आरे मालिन,
न फूला वाले या अरे तो हरे हो फुलावाए मालिन करब माई के सिया अरे तो हरे हो फुलावाए मालिन करब माई के सिया। अब देखिए अब वो भक्त कहता है चलते वो मालिन से जाके मालिन के दरवाजा पे अर्जी लगा रहा है कि मेरी मैया आ रही है, मतलब नवरात्रि का टाइम था। अब वो मालिन के घर से कहाँ पहुंचा है, अरे अरे कुम्हारा अरे अरे कुम्हारा अरे अरे कुम्हारा अरे 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 कुम्हारा कुम्हारा काला सावा जल्दी बना अरे तो हरे काला सावा ये कुम्हारा होई है माइया सवार अरे तो हरे काला सावा ये कुम्हारा होई है माइया सवार। और इसी टाइप से इस गीत में फिर वो पंडित के पास जाते हैं, नाव के पास जाते हैं, इसी टाइप से ये परंपरा हम लोगों का परंपरा का गीत है ये। अच्छा, कुछ तो समझ में आ गया कि कुम्हार कुम्हार के पास जा रही है माँ और माँ आने वाले उसके उनके लिए कलश बना दे माँ, समझ में आ रहा है। कुम्हार यहाँ हम लोग कुम्हार बोलते हैं और वहाँ तो आप लोग कुम्हार बोलते हैं। थोड़ा मतलब कुम्हार ही है, कुम्हार ही भोजपुरी भाषा में कुम्हार बोल देते हैं। जी जी। और जो पहले मालिन जो है मालिन का मतलब तो माली जो फूल बगीचा में, हाँ जी समझ गए आप, समझ गए फूल बगीचा में जो जी जी जी। उनको जाके बोले कि माँ आने वाली है उनके लिए फूल तैयार कर। जी जी है ना। हाँ अच्छा, तो हम लोग थोड़ा बहुत समझ में, भाषा जो है ना भाषा एक ऐसा है कि संबलपुरी हिंदी और भोजपुरी और अहमिया जो जी 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 ये थोड़ा मिलता जुलता है, समझ में आ जाता है लोग। जी जी। ये नजदीक मतलब नजदीक है पूरा। जी जी। देखिए भाषा से कोई मतलब नहीं है, संगीत तो सब एक ही है। समझ में आ गया ना। जी जी। हम यहाँ पे बरगढ़ में भी आए हैं, कई बार प्रोग्राम किए हैं, तो यहाँ के जो आर्टिस्ट है ना, जो बजाने वाले लोग हैं सजिंदा लोग, उनके साथ भी मैं गाया हूँ। जी जी। जो यहाँ के आर्टिस्ट है बजाने वाले। अच्छा, कोई संबलपुरी गीत आपको है? संबलपुरी अभी दिमाग पे नहीं है मेरे। नहीं है, जानकारी है कि संगीत में ऐसा ऐसा है संबलपुरी में? संबलपुरी में एक कोई अभी आया था, कटप्पा वाला गीत आया था। कटप्पा वाला गीत आया था कि हम लोग सुनते नहीं है, कम सुनते हैं, लेकिन कटप्पा वाला एक गीत आया था जो अभी बहुत अच्छा चला है। जो यहाँ का जो कलाहांडी का जो लड़का है वो काला हांडी कटप्पा। जी जी जी। काला हांडी कटप्पा का गीत आया था और उसमें जो सिंगर है हम लोग के ही एज के हैं, बहुत अच्छा गाते हैं वो। जी जी। हाँ, उनको हम देखते हैं। बहुत सारे संबलपुरी गीत है, आप सुनिए आपको भी अच्छा लगेगा। जी जी। और यहाँ का जो संबलपुरी में जो काफी सारे बढ़िया बढ़िया गीत है, तो उसको आप अनुवाद करके गा भी सकते हैं। गा सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए मैं बिहार से आया हूँ, हम लोग जितने भाई हैं सभी लोग बिहार से आए हैं। जी जी। यहाँ पे हम लोग जब भी आते हैं ना तो यहाँ हम लोग खुश रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये जो संबलपुर है बरगढ़ है, ये एक पता नहीं यहाँ से एक नेह का धागा जुड़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग बहुत प्यार देते हैं, लोग चाहे वो जो भी हो, यहाँ के लोकल हो चाहे बिहारी, सभी लोग बहुत प्यार देते हैं यहाँ। हाँ, बहुत प्यार मिलता है, अच्छा लगता है हम लोगों को। तो आज के मतलब आज ही लगी हमें भेटी दिला, हमें आज ही छठ पूजा लगी और बिहार भाई मान खास करी विभिन्न लोग परिचय हेले आज ही से प्रस्तुति इन्हें करबे छठ पूजा लगी, बढ़िया बढ़िया गीत गाइबे। आम अनुरोध करबू आपण मैंने आसन आज जेन मैंने अच्छा उत्साहित कर सामिल हो छठ पूजा लगे छन आर थे मुझे लगी गणदृष्टि तरफ रु छठ पूजा लगी समस्त को शुभकामना। फिर थे छठ पूजा लगी समस्त को धन्यवाद, नमस्कार। छठ पूजा लगी कतनी के धन्यवाद कतनी के हृदय भितर गणदृष्टि तरफ रु आपण मानक शुभकामना, धन्यवाद।